यही मैं आपको अभी बात बता रहा था कि सुदामा को उसने कहा कि तूने जीवन भर सब कुछ किया, तूने गुरु दक्षिणा न दी और गुरु के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो कृष्ण कृष्ण करता रहा और बीच में गुरु को छोड़ दिया, इसलिए इस दरिद्रता को भोगना पड़ा और मैं जीवन के आखिरी दम तक साधना किया। फिर भी गुरु जी ने कहा कि तुझे से दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा बिना दक्षिणा के मैं तुम्हारी विद्या लेके नहीं जा सकता, मैं तुम्हारा फल नहीं लेके जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा को तेरे से नहीं चाहता, लेकिन आपका ही कहलाई गति मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी अगर तुझे दक्षिणा चाहती है तो तुझे मांग ले। जब कृष्ण पत्नी के पास गए, गुरु माता के पास गए और कहा कि मैं बिना दक्षिणा दिए तो यहाँ की विद्या नहीं ले जाऊंगा, यहाँ से कुछ नहीं ले जाऊंगा, कोई साधना नहीं ले जाऊंगा, साधना का फल मैं नहीं चाहता। तब माता ने कहा तो मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हो क्या, मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकोगे? तो उन्होंने कहा कि माँ तो कहते तब तो देखो, और मैंने तुम्हें वादा किया है कि तुम्हारे तुम्हें बिना गुरु दक्षिणा दिए मैं यहाँ से जाऊंगा, वो कैसे भी दक्षिणा। तो उन्होंने कहा मेरे जीवन में कुछ कभी नहीं, तेरे गुरु जी जो है मेरे जीवन में कुछ कभी नहीं रखते, सब सब कुछ बोलना है, लेकिन एक कमी है। मेरे 8 साल का बालक समुद्र में खेलने गया था और वो समुद्र में मर गया, मैं चाहता हूँ कि वो बालक मुझे फिर मुझे मिले, ये तो असंभव बालक था, जो मरा हुआ है वो कैसे प्राप्त हो सकता है। लेकिन कृष्ण ने कहा माँ अगर ये कार्य करता हूँ तो मैं गुरु दक्षिणा देने वाला कहलाऊंगा, और ये कार्य नहीं किया तो मैं ये विद्या यहाँ ही छोड़कर चला गया। कृष्ण गए यहाँ से समुद्र बालक गया था, वहां समुद्र का आह्वान किया, उन्हें पूछा तो एक ने कहा कि पांचजन्य नामक राक्षस इस समुद्र में रहता है, उसने उस मुनि बालक को सांदीपनि मुनि के बालक को उसने आपके पास किया, उसको लेकर बैठा है, उसकी आत्मा वहां बंधी हुई है, और जब उस बालक की आत्मा को निभाया, पांचजन्य से कृष्ण ने लड़ाई झगड़ा किया, युद्ध किया, पांचजन्य को हराया और आत्मा लेकर बाहर आए, उन्होंने सोचने लगे कि क्या करना है, तो उन्होंने समुद्र की मिट्टी से एक पुतला बनाया, पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठा की और उसमें वो आत्मा रख दी और उस बालक का नाम लेकर पुकारा, जैसा ही उसमें प्राण आ गए, उसने कृष्ण ने उस बालक को ले जाकर उनके माता के सामने जब खड़ा किया तो माता को इतना आनंद दर्शित है, कृष्ण को गले लगाया, कृष्ण ने कहा नहीं माँ मेरा तो स्थान तुम्हारे चरणों में है। गुरु ने भी कहा कि उनके चरणों में उन्होंने अपना सर रखकर कहा कि हे कृष्ण यह कार्य कोई नहीं कर सकता। कृष्ण उनके अपने गुरु को नमस्कार कर रहे थे और कहा कि ये बात सही है, और उनको बालक को लेकर वे इतने आनंदित हो गए कि उस आनंद का ठिकाना नहीं था, और दोनों ने मन गुरु की आशीर्वाद किया कि जब तक सूर्य और चांद है तब तक कृष्ण तेरा नाम यहाँ रहेगा, हम मेरे से भी ज्यादा। तो कृष्ण जाते जाते एक बार बोल के गए कि हे प्रभु एक बात मुझे मेरे समझ में नहीं है। बोले क्या? मैं यहाँ इतने दिन से आपके पास रहा, आपका बालक मर गया तो आपके बालक को आप जिंदा करके ला सकते हैं, क्या मैं आपसे भी शक्तिमान? तो उनके गुरु कहते हैं कृष्ण तेरे ऊपर जो गुरु कृपा है वो गुरु कृपा गुरु पर नहीं है, मैंने उतनी गुरु दक्षिणा अपने गुरु को नहीं दी और मैं गुरु की इतनी सेवा नहीं की, इतनी सेवा नहीं की, जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है वो असंभव कार्य भी संभव कर सकता है, और तेरे गुरु कृपा होने के कारण तुमने कार्य किया है, ऐसा उन्होंने उनको कहा। मैं वैसे ही आपको कह रहा हूं, जिसने बिना रोक टोक किए अपने गुरुचरणों में समर्पित हुआ, अपने गुरुचरणों में सर रखा और गुरु को गुरु के वचनों को पाला, मैं समझता हूँ वो पीछे नहीं हटा, और मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने आपको ये अनुभव क्यों नहीं कहा, मेरे पास उस समय ₹2000 लेकर गुरु ने बाद में मेरे पैसे मेरे लौटा के हैदराबाद आने के लिए, लेकिन उन्होंने लिया अगर उस जगह दूसरे को दूसरे कोई होते तो क्या करते, आपके जीवन में मैं कहता हूँ, मैंने बहुत बार कहा है आज भी कहता हूँ, केवल कहें आप मित्र के सामने खड़े रहेंगे और बोलेंगे क्या क्या लेकिन एक बार गुरु की प्रसन्न करके तो देखो, गुरु के मुंह से कहोगे तुम मेरा शिष्य है। यह बात कहते हुए मैं आज कहता हूं मैं आपके हर एक की समस्या हर एक तरह से जानता हूं, सभी को यही है, गुरु पैसे नहीं है या तो बच्चा नहीं है या तो शादी नहीं हुई या तो वो बीमार है या मैं बीमार हूं, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी लेके नहीं आया, ये तो भौतिकता है और भौतिकता के लिए गुरु ने बहुत सारी साधनाएं दी है, और मैं मगर बड़ी बड़ी साधनाएं जो कि आप 1 लाख जब करो 2 लाख जब करो तो यहाँ से तो आप बड़े खुशी के साथ यंत्र ले जाते हैं, फिर बाद में यंत्र डब्बे में चला जाता है, कोई साधना नहीं करता, और बाद में आपको ये बोलता है गुरु
की साधना नहीं हुई, होता भी नहीं की साधना नहीं हुई। ऐसे मैं आपके पास से कम इतने लोग यहाँ बैठे हैं पुराने साधक है, तो मैं आपके सामने इतना बता सकता हूँ कि इसमें 90% लोग यंत्र यहाँ से ले जाकर डब्बे में रखने वाले 90% लोग हैं, 10% क्या है ऐसे वैसे साधक। मैं नहीं कहता हूँ एक बार हाथ उठा के बता दो कि हम है या नहीं, आप सभी को मालूम है कि आप यहाँ से ले जाने पर साधना नहीं करते। और मैंने यह निर्णय लिया है कि आप छोटी सी हो का आपको मेरे सामने ही करो और उसका फल अनुभव करने के लिए रहो। मैं आपको इसी तरह इन छोटी सी चार साधना इन तीन दिनों में आप सब पूर्ण करो, आपकी धन की कमी के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके कोर्ट केसेस है उसके लिए, आपके रोग निवारण के लिए, आपके बच्चे अल्लड़ है आपकी बात नहीं सुनते पढ़ाई नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए भी मैंने सुलेमानी है और एक विशेष मत्स्य गणपति बना हुआ है जिसकी अंगूठिया लाकर आपके बच्चे के गले में डालते हो तो आप निश्चित रूप से आपके बच्चे का अल्लड़ बच जाएगा और बच्चा अपने साथ कहते हैं वैसा सुनेंगे और वैसे ही साधना सफल करेंगे। ऐसी साधना मैंने आपको दी है। इसी प्रकार मैंने बहुत पुस्तकों को खोजने को मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैं लास्ट इस दो महीने के अंदर जब यहाँ बैठा हूँ तो कम से कम मेरे पास 40-50 केसेस ऐसे आए कि लड़की सुंदर है, लड़की के पिता अच्छे ऑफिसर है, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी हुई है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, शादी हुई तो टूट जाती और वो इतने माँ बाप परेशान रहते हैं, लड़की भी इतनी परेशान रहती है कि उनकी शादियां टूट ही हो जाती। ऐसा ही मैंने ढूंढा कि इस अब इन लोगों को किस तरह शादियों में सुखी जीवन किस तरह व्यतीत करें। तो ये अपनी ही समस्या नहीं, एक जमाने की समस्या है। एक जमाने में माली सुमाली और सुमाली नाम पुलिस के वंश में बहुत सारे श्रेष्ठ साधक हुए, बाद में उनको गर्व आने के कारण और राक्षसी तत्व को प्राप्त करे उन्होंने देवताओं को हराया, देवताओं को सताया, विष्णु ने उनके बड़े भाई को मारा, बाद में माली और सुमाली ये दोनों बड़े भाई के डर से भाग कर जाके नागलोक में छुप गए। उस माली और सुमाली की बेटी थी, नाम था कैकसी, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता का नाम संसार में सभी लोग लेते थे कि बहुत सुंदर लड़की है। और वो नागलोक में बहुत सारे सुंदर लोग थे लेकिन उसके साथ शादी करने के लिए डरते थे कि अगर उसके साथ शादी की जाए तो हम टिक नहीं सकते क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली सुंदर है तो ही और उसके पिताजी भी शक्तिशाली है तो हम दो दिन में हमारी शादी टूट जाएगी, हम उसको तृप्त नहीं कर सकते, उसको सुख नहीं दे सकते, ये डर से शादी करने के लिए कोई नहीं आए। पिता बहुत चिंतित रहा करते थे कि मेरी बेटी की शादी कैसे हो, कितने लोगों को भी पूछे। बेटे ने भी कहा कि प्रभु अपनी शादी होने से अब तो शादी तो नहीं हो सकती, कैसे करना है। तब सुमान ने कहा कि ऐसा करेंगे हम दोनों मिलकर भूलोक जाएंगे, अब तो नागलोक में है, भूलोक में बोले नागलोक जैसा पवित्र इतना तपस्वी लोक है, यहीं मेरी शादी नहीं हुई, यहीं सब लोग डरते हैं कि मेरी शादी टूट जाएगी तो वहां कैसे होगी। तो उन्होंने कहा जाए प्रयत्न तो करेंगे, वो गए तो उन्होंने देखा कि पुलिस के एक नातू थे यानी उनके पोते थे, उनका नाम था विश्रवा, वो अपनी तपस्या भूमि में बैठे हुए थे। तो तब उन्होंने कहा कि अभी आगे क्या करना है, तो विश्रवा ने विश्रवा को देखने के बाद सुमान कैकसी ने कहा कि आप अगर कहते हैं तो मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोले क्या उसके क्रोध का कारण बनना है, वो क्रोध से भस्म कर लेगा, मैं तो नहीं आता पिताजी कहने, मैं उसके सामने विश्रवा बहुत ही सिद्ध ऋषि है और उसके कोप का भजन मैं बनना नहीं चाहता और मुझे पता है कि उसकी शादी पहले ही हो चुके हैं, भारद्वाज नाम के मुनि की कन्या के साथ उसकी शादी हुई है, वो तू जाकर पूछ ले मेरे से नहीं होता। वो गई और विश्रवा के सामने खड़ी रही, बोले दो ही बातें होंगी, या तो मैं भस्म हो जाऊंगी या तो उसकी पत्नी बनूंगी। खड़ी रही और उसने विश्रवा ने देखा कि तुम कौन हो या किस लिए आई हो, तो उसने कहा अगर आप कालज्ञानी है तो मैं किस लिए आई हूँ आप जान सकते हैं, अगर आप मुझे योग्य समझते हो तो मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण करो और नहीं समझते हो तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। उन्होंने देखा बोला ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी है और इसके कारण मैं यह विवाह नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को मृत्यु के सिवा दूसरा मार्ग नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना देता हूँ, वो साधना को संपन्न करो, अगर उस साधना से मेरे पत्नी और उसके पिता भारद्वाज मावनी मानते हैं तो मैं तुम्हें शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी शादी जरूर होगी। उस मुनि आश्रम में ही और रुक गई और उन्होंने उसके साथ साधना करवाई जो मैंने आज आपको इसी साधना में दी है। असंभव होने वाली
पत्नी बेटियों की शादी के लिए या पत्नियों की जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको संतान नहीं हो रही है, तो विश्रवा महामुनि ने वो साधना उनसे संपन्न की। जैसे ही उसने साधना संपन्न की तो भारद्वाज मुनि की पत्नी, भारद्वाज मुनि की बेटी आई और विश्रवा से कहने लगी कि है जब तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो तुम इसके साथ शादी कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पुलस्त मेरे नाना से पूछूंगा। नाना के पास गया तो नाना ने कहा कि तेरा यह एक दैव कार्य है, यह मैं गुरु होकर तुम्हें कह रहा हूँ, तो उसके साथ शादी कर ले। और विश्रवा से कैकसी की शादी हुई और कैकसी के 3-4 पुत्र हुए, उसमें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा आदि थे। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे जीवन में असंभव कार्य के लिए एक छोटी सी साधना विश्रवा ने जो थी, वही साधना मैंने आज आपको इस बोर्ड पर दी है जो आपकी मनोकामना साधना करने के कारण कहा गई है। तुम्हारे जीवन में जो असंभव कहा जाता है उसको करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये 4 दिन, अगर मेरे आने में, मैं सुबह साधना करके यहाँ आता हूँ तो आने में अगर कुछ समय लग जाता है तो आप समय का दुरुपयोग ना करो। वैसे तो आप खाना खा के घर में सोने का काम करते हैं, ये 3 दिन सोना और खाना दोनों बंद कर दो। खाना तो मैंने रखा है लेकिन सोना आपकी इच्छा है। यहाँ 3 दिन आए हो तो 3 दिन साधना संपन्न करो और आपकी इच्छाएँ पूर्ण कर जाओ। ऐसी ही मनोकामना करता हुआ मैंने वाद विवाद में, आपको कोई शत्रु है और शत्रु बहुत सता रहा है तो उसके लिए भी मैंने साधना दी है आपको। मैंने जैसे अभी कहा है कि ये साधनाओं को जो कहीं नहीं मिलते मैंने ढूंढ कर निकाला है। वज्रांग नाम के एक देव है जिसको महापराशर मुनि ने हनुमान जी से पूछकर ये साधनाएं लिखी थी और उस पुस्तक को ढूंढने के लिए, लेने के लिए मुझे बहुत समय लगा और ये साधनाएं आपको संपन्न करवाने के लिए दे रहा हूँ। आपकी निश्चित रूप से इन साधनाओं को, केवल 1 घंटे की साधना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत कुछ भी करने से सुधरती नहीं है तो भी साधना है। इस साधनाओं को मैंने यहाँ दिया है, जो आप करेंगे तो केवल 1-1 घंटे में साधनाएं पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी साधनाएं आप संपन्न करें। आप थक के आए, मुझे पता है आपको भूख भी लगी होगी, सोना भी है, तो सारे काम करो लेकिन यहाँ आए हैं तो साधना भी संपन्न करो। और जिस फल के लिए, जिस गुरु पूर्णिमा के लिए, जिस गुरु के पास आए हो, गुरु का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाओ। और कभी भी अगले गुरु पूर्णिमा अगर हो आप तब आए तो आप इतनी करना, इतना कहना कि गुरुजी हमने, आपने दी हुई साधना संपन्न की और उसका फल हमने भोगा है। जिस दिन आप ये कहेंगे मुझे बहुत आनंद होगा, प्रसन्नता होगी कि मैंने ये साधनाएं आपको संपन्न करवाई। कल सुबह मैं यहाँ फिर 8 बजे तक आ जाऊँगा और कल की गुरु पूर्णिमा का 2रा दिन है और उस सिद्धाश्रम पहुँचने की साधना, जो जीवन का एक योग्य कार्य है। सिद्धाश्रम क्यों जाना चाहिए, सिद्धाश्रम के लिए गुरुजी ने क्यों कहा है और सिद्धाश्रम जाने से अपने जीवन में क्या होता है, सिद्धाश्रम का वो कौन सा मंत्र है जो अपने जीवन में प्रफुल्लित करते हुए आनंद को प्रदान करता है, ऐसी साधना कल सुबह आप सभी को प्रदान करूंगा। आप अभी सभी लोग भोजन करें, विश्राम करें और जो साधना के इच्छुक है वो साधना संपन्न करें। मैं कल सुबह 8 बजे आपको मिलता हूँ। अभी आप सब लोग खड़े हो जाओ, कर्पूर आरती होगी, उसके बाद मैं कल सुबह आपसे मिलूंगा।